कदम कदम बढ़े कदम 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 बढ़े कदम नए दिशाओं की ओर हौसला है हम साया एक कदम उम्मीद की ओर एक कदम उम्मीद की ओर एक कदम उम्मीद की ओर। नरेन एसी बंद कर दो। जी वाओ, ये गांव की बात ही कुछ अलग है। यहाँ की ठंडी हवा, खुला आसमान, मन करता है कि मैं यही रह जाऊं हमेशा के लिए। ये सब छोड़ के जाने की मन ही नहीं करता। क्या हुआ? ये बत्तख को मार के आ गया। हाँ ठीक है, बत्तख का भरपाई हम कर देंगे ना। हाँ, एक बत्तख का 500 रुपया। एक बत्तख कितने अंडे देते हैं? महीने में 30 ना, तो पैसा कितना देना पड़ेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे हिसाब करोगे तो हमें तो इसका कीमत बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, क्या हुआ? ये बत्तख को मार दिया। मैं बताती हूँ क्या हुआ। शुरू से हम लोग सड़क से गुजर रहे थे और ये बत्तख पीछे आके हमारे गाड़ी में अटक गया। हम लोग इसका भरपाई कर देंगे लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अच्छा बात ये है, ठीक है मैं समझ गया, पर तुम लोगों को लोगों के साथ कैसे बातें करना चाहिए ये भी समझ में नहीं आता। कोई जानबूझकर दुर्घटना करेंगे क्या? कभी कभी लोगों से गलतियां हो जाती है। ये बत्तख तुम लोगों का ही है। तो अच्छा ही हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व। तो तुम लोग अपने अपने घर जाओ, जाओ चलो 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 चलो। ठीक है चलो। थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। जस्ट अ मिनट। ये लीजिए। देखिए पैसा देकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ऐसे भी आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे आप अगर पैसा लेते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अगर आप मेरे जगह होते तो क्या आप मुझसे पैसा लेते? वैसे मैं शिखा, और आप? मैं अनल हजारिका हूँ। ठीक है, आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं? क्यों नहीं, लीजिए ना। नरेन जरा फोन दो अपना। बोलिए। 9864023559। थैंक यू, मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है तो हम चलते हैं अभी। हाँ जाइए। हाँ नरेन चलो। अनल। हाँ हेमन भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार होके आता हूँ थोड़ा, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं दिगन के घर जा रहा हूँ। ओह अच्छा। अनल आजकल तुम क्या कर रहे हो? हाँ मैं आजकल प्रशिक्षण कर रहा हूँ। प्रशिक्षण? किसकी प्रशिक्षण? कौशल विकास का प्रशिक्षण। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम क्यों प्रशिक्षण ले रहे हो? अरे कोई नौकरी की दिमाग लगाओ, तब जाके कुछ काम होगा, नहीं तो तुम्हारा ये जो डिग्री की सर्टिफिकेट है सब धो धो करके पानी पीना पड़ेगा। अरे और तो और शादी ब्याह के लिए कोई अच्छी सी लड़की भी नहीं मिलेगी। तो अभी कर दीजिए ना, मुझे एक अच्छी नौकरी की तलाश। मैं और तुम्हें नौकरी? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो? मैं भला आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मुझे तो आपकी सोच पर तरस आ रहा है। अरे मैंने तुम्हें बुरा क्या कहा? एमए की डिग्री लेने के बावजूद तुम घर में बैठे हो बेरोजगार, तभी तो नौकरी की बात आई है ना। मैं बेरोजगार हूँ ये बात आपको किसने कहा? अरे किसी की कहने की क्या जरूरत है भाई, मैं खुद देख रहा हूँ ना। मैं भैया फिलहाल तो मैं एक एनजीओ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। एनजीओ? अरे छोड़ो यार तुम्हारा ये एनजीओ, आज तक एनजीओ चला कर गाँव में कोई बड़ा बन पाया है क्या? बड़ा आया एनजीओ चलाने।
ये लीजिए। जरा संभल के जाना। जी। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। जी ये देखो। अरे शिखा, अरे बाप रे, जिस तरह लोगों ने मुझे वहां घेर कर रखा था ना, कसम से मेरी तो देखकर ही पसीना छूट गई थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, गांव में तो ऐसा रोज होते रहता है। तू कब आई दिल्ली से? बस चार दिन पहले ही पहुंची हूँ। पढ़ाई खत्म हो गई है ना? जी मम्मी, पढ़ाई खत्म करके ही लौटी हूँ। वैसे तो मेरे घर में मन नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि यही चली आती हूँ। बहुत अच्छा किया, मैं भी एग्जाम के बाद यहाँ पे रह के एकदम बोर हो गई थी, और कहीं पे जाने के लिए भी कोई नहीं था। शिखा, तुम पिताजी को साथ में लेके आते? पिताजी इतने दिनों के लिए नहीं आ सकते हैं मामा, आज उनके कॉलेज की मीटिंग, कल फिर नागरिक मंच की मीटिंग, उनके पास टाइम ही कहाँ है। अच्छा ही है, वो इन सब में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम आगे क्या करना चाहती हो? सोच रही हूँ, लेकिन मुझे नौकरी करने की ना बिल्कुल भी मन नहीं है। तब तो एक अच्छा सा लड़का देकर तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। मामी मुझे अभी शादी भी नहीं करनी है। मेरी माँ ना हमेशा मेरी शादी के बारे में ही सोचती है। अब तू ही बता, लड़कियाँ घर का बोझ है क्या? कभी नहीं। चल चल अंदर चल, बहुत बातें करनी है। आजा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। लोग कहते हैं तुम हमेशा नशे में क्यों रहते हो? अरे भाई तुम लोगों को क्या, यो मेरी जिंदगी है, मैं दारू पियो क्या भी करो कुछ भी करो, तुम लोगों को क्या। 14 तक नौकरी किया, सरकार ने स्कूल को लिया नहीं, नौकरी हुई नहीं, एक लड़की भी देखा था शादी के लिए, नौकरी नहीं होने के कारण लड़की भी चली गई दूसरे के साथ। कोई गरीब का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता है, उपदेश देता है दारू मत पियो, ये मत करो वो मत करो। या रजनी, क्या तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? तो तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? अनल भाई इधर आओ, तुम जानते नहीं हो मेरा बहुत दुख है। देखो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम इस तरह अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, कभी कभी तो ख्याल आता है कि खुदकुशी कर लूँ। देखो ये बात तुम अपनी जबान पर कभी मत लो। तो तू ही बता अनल, मैं जिंदगी में करूं भी तो क्या करूं, किसके लिए जीऊं? देखो तुम एक काम कर सकते हो, तुम मोटर मैकेनिक बन सकते हो। कैसे? पहले तुम्हें एक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसके बाद जो करना है मैं देख लूंगा। सच? हाँ, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा। तुम कल से ही ट्रेनिंग पर चला जाना, वहाँ क्या करना है वो लोग सब कुछ समझा देंगे। वहाँ मोटर मैकेनिक का हर एक काम सिखाया जाता है, और उसके बाद खुद का बिजनेस संभालने के लिए सरकार लोन भी देते हैं। हाँ तुम जाओगे ना? यार जरूर जाऊंगा। बहुत बढ़िया, तो इसके लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब अभी के अभी छोड़ो। अगर मुझे ढंग का काम मिले ना, आज क्या
अभी छोड़ देते हैं सब। बहुत बढ़िया, तो चलो अब घर चलते हैं। ठीक है यार, चलो। पगर यार, लेकिन कल तुम्हें उधर जरूर जाना पड़ेगा। जरूर जाएंगे यार। अरे क्या हुआ, कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तेरा फोन ही नहीं लगता। मेरा फोन तो रात से ही बंद है, पता नहीं आपने अब बंद हो जाता है, कुछ खराब हुआ है शायद। तब तू अमित को क्यों नहीं दिखाता? अमित वो मोबाइल फोन मरम्मत करता है क्या? हाँ, उसने मोबाइल फोन मरम्मत करने की ट्रेनिंग ली है। अच्छा ये बात है, वो ये काम कहाँ करते हैं? अरे ये काम वो घर में ही करता है और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लगता है अब गांव में प्रगति की हवा चलने लगी है। हाँ हवा तो निश्चित रूप से चलने लगा है। वो सब छोड़, तूने तो स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई समाप्त कर ली, ऊपर से समाज सेवा पर मास्टर डिग्री भी किया है, अब क्या करने का सोचा है? वैसे नौकरी में तो तेरा इंटरेस्ट है नहीं। एनजीए करके तो पेट भरने की लायक नहीं बन पाया, अब कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं एक बात सोच रहा हूँ दिगन। क्या सोचा है? जनता का काम करने के लिए निकला हो तो खुद के बारे में सोचने से क्या फायदा, जनता के बारे में कुछ सोचना है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गुड, वेरी गुड आइडिया। मैं भी अपना फार्म छोड़ छाड़ कर तेरा साथ दे दूँ क्या? तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा फार्म छोड़ के नहीं, एक साथ दोनों काम करना पड़ेगा। क्या? हाँ। लगता है एक ही दिन में तुझे उनसे प्यार हो गया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंसान को ना कृतज्ञ होना चाहिए और आजकल के जमाने में तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक कहा तूने। वैसे अगर उस वक्त वो नहीं आते ना वहाँ, तो पता नहीं क्या होता। कितने सारे लोग थे यार वहाँ पर, मुझे ना उनको एक बार कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तूने तो बताया था कि उनका फोन स्विच ऑफ है। हाँ होगा किसी वजह से, वो कौन सी बड़ी बात है। तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या चाय भी पियोगे? हाँ। शिखा पिताजी कैसे हैं? वो ठीक है, लेकिन कुछ काम से बिजी है तो आ नहीं पाए। तुम्हारी मामा जी आ गए शायद। आज आपने आने में इतनी देर कर दी। अरे बोलो मत, बाजार गया था, इतना भीड़ था कि बोलो मत, थक गया एकदम। ये लो। फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर से लगाओ, नेटवर्क नहीं है शायद। बेटा। हाँ माँ। मोबाइल रसोई में सुर के आया था, कोई फोन कर रहा हाँ। है। हेलो। हेलो जी, मैं शिखा बोल रही हूँ, पहचान रहे हैं ना? हाँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, मामा के घर रही हूँ। हाँ अच्छा। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही कुछ काम कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बाद में कॉल करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, यही मेरा फोन नंबर है। ठीक है, मैं सेव कर लूंगी। थैंक यू, और यूज कीजिएगा। ठीक है, आप फोन करेंगे ये आशा रखती हूँ। जी जरूर। बेटी शिखा, बेटी बाय बाय। बेटी चल चल, माँ बुला रही है। तुम दोनों आओ, चाय पी लो। चल 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 चल। इसे दो। लो चाय पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद चाय पी के कोई मजा नहीं। और एक दे दो। नहीं मम्मी। शिखा कल सुबह हम लोग घाट जाएंगे, ठीक है? क्यों मामा? वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछली मिलती है, वहाँ जाकर एक बड़ा सा मछली हाँ, ले आएंगे। ठीक है, हम दोनों चलेंगे। ठीक है, अब खाओ।
आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। बेटा बेटा उठो, सुबह हो गई है। हाँ माँ। इतना देर तक सो रही हो, तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ, मेरे रात तक नींद नहीं आया। किताब पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, अभी उठो, हाथ मुंह धो लो, अच्छा महसूस होगा। अच्छा तुम कहीं जाने वाले हो क्या? नहीं माँ, अगर दिगंत आएगी तो प्रोजेक्ट के काम के लिए बाहर जा सकता हूँ। दरअसल मैं बैंक जाना चाहती हूँ, पेंशन का पैसा आया है। ठीक है आप जाइए, मैं घर में ही हूँ। अगर मेरे जाने से पहले तुम निकलोगे तो लतिका चाची के वहाँ चाबी दे के जाना। हाँ ठीक है। और एक बात कहनी थी। हाँ जी बोलिए माँ। कल अब्दुल आया था। अच्छा। वो आहतगुरी के जो जमीन है उसमें वो खेती करना चाहता है। अच्छा तो दे दीजिए, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। तुम समझ नहीं रहे हो, महेश इतने सालों से वहाँ खेती कर रहा है और अचानक अब्दुल को कैसे दे दो। तो एक काम कीजिए, जमीन उन दोनों के बीच बांट दीजिए। ठीक है वही करती हूँ। हेलो। हाँ जी मैं शिखा। हाँ मुझे पता है, उस दिन आपका नंबर सेव कर लिया था। सेव ही तो किया है, यूज कहाँ किया। नहीं हाँ, मतलब मैं इन दिनों में थोड़ा प्रोजेक्ट में बिजी हूँ ना, इसलिए समय नहीं मिला। मुझे भी एनजीओ के काम में बहुत इंटरेस्ट है। 10-12 दिन के लिए घर आया था, सोचा प्रोजेक्ट का काम खत्म कर लूँ। तो काम खत्म हुआ? हाँ 50% तो खत्म हो गया। हो सके तो मुझे भी आपके एनजीओ के काम में शामिल होने का मौका दीजिएगा। आप मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं सच में बोल रही हूँ, और दिल से भी बोल रही हूँ। आप बुरा मत मानिए, मैं भला क्यों आपकी मजाक उड़ाऊंगी। अच्छा ये सब बात छोड़िए, आप मामा जी के घर पर ही है ना? हाँ मामा जी के घर में ही हूँ, रहने वाली हूँ कुछ दिन यहाँ। आपके बारे में बताइए जरा। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। आप क्या करती है, आपके घर में कौन कौन है? फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ, और घर में माँ है पिताजी है, बस इतना ही। और आपके घर में कौन कौन है? हाँ मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मैं, और कोई नहीं है। तो हाँ मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, फिलहाल मैं रखता हूँ। ठीक है लेकिन फोन कीजिएगा जरूर। हाँ जरूर। अरे राहुल। हाँ अनिल भैया। खेत जा रहे हो क्या? हाँ खेत में काम चल रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। अनिल भैया मुझे भी आप अपने साथ काम में रख क्यों नहीं लेते, आखिर कब तक ये सब करता रहूंगा, मैं भी बेपास हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम का कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, शिक्षित लोग जो काम करता है वो अच्छा ही करता है। लेकिन यही सब करना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत थी? देखो ये सब तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं, मैं तो कहता हूँ समाज के हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। अब तुम जैसे कह रहे हो कि शिक्षित लोग खेतीबाड़ी नहीं करेगा तो करेगा कौन, तब हमारा क्या होगा, ये भी तुमने कभी सोचा है? सुनिए आपको तो मैं एक बात बताना भूल ही गई। क्या बात है बोलो। मेरे दीदी के घर के पास जो चौधरी जी है, अरे वही जो बैंक में काम करते हैं। अरे हाँ हाँ समझ गया, क्या हुआ बोलो। उनका बेटा हमारी कल्पना को पसंद करता है, सुना है वो बाहर से MBA करके आया है, मेरे हिसाब से तो दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। और ये सब बात तुमको किसने बताया? दीदी ने ही फोन करके बताया था। माँ
शिखा कहाँ पे है? बाहर होगी शायद। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, कल तो तुम्हारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद है ना? हाँ बंद है, पर क्यों? शिखा मंदिर जाना चाहती है, जरा उसे लेके जाना। ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हारा कंप्यूटर कोर्स तो एक साल का है ना? हाँ अभी 3 महीना कंप्लीट हो गया है, पर आप इसके बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसा ही, जाओ बेटा जाओ। ठीक है। मैं आपको बार बार फोन कर रही हूँ, आप प्लीज बुरा मत मानिए। क्या हम मिल सकते हैं एक बार? हाँ कभी ना कभी तो जरूर मिलेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलिए तो। कल हम मंदिर जा रहे हैं, तो आप आ सकेंगे एक बार प्लीज? हाँ मैं कोशिश करूँगा। प्लीज प्लीज आ जाइएगा वहाँ, मैं इंतजार करूंगी आपका। ठीक है। थैंक यू। चाय लीजिए। ये दोनों घर में नहीं है क्या, इतना सन्नाटा है? दोनों खाना बनाने में व्यस्त है और मुझे आराम करने के लिए कहा है। चलो अच्छा ही है। कल आपका कुछ काम है क्या? काम तो है, कल टेंडर का काम है, वहाँ जाना है। क्यों बोलो तो? नहीं बाजार जाना था। कुछ खरीदना है तुम्हें? हाँ शिखा के लिए कुछ कपड़े खरीदना था। तब तो टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन आपका तो टेंडर का काम है। कुछ नहीं है, तुम बस 10-15 मिनट गाड़ी में बैठना, मैं टेंडर का ऑफिस जाके काम निपटा के तुरंत वापस आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे क्या सोच रही हो, वो तुम्हें पसंद करता है इसीलिए तो फोन करके बुलाया है। मैं कहाँ सोच रहा हूँ? अरे यार मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, जाओ दिल में जो है बोल दो उसे। अरे जाओ। कदम कदम बढ़े कदम, कदम कदम बढ़े कदम नए दिशाओं की ओर, हौसला है हम साया एक कदम उम्मीद की ओर। कौशल अपने पास है करना ये विकास है, हौसला बुलंद है मौका ना गंवाना है। झूम लेंगे आसमां हम अपने ही दम पर, देश को ले जाएंगे उजाले की ओर। एक कदम उम्मीद की ओर, एक कदम